Hi friends, welcome to Safety Tech Travel. If you are watching first time our videos, please subscribe our channel and support us. Welcome to Safety Family. हम सारे सेफ्टी प्रोफेशनल्स और कंस्ट्रक्शन प्रोफेशनल्स हमको साइट में और कोई भी प्रोजेक्ट में सेफ्टी प्लान सबमिट करना होता है, तो साइट सेफ्टी प्रोग्राम सेफ्टी प्लान सबमिट करना होता है, तो इसको आज ये वीडियो में हम लोग को दिखाएंगे सेफ्टी प्लान कैसे बनता है, क्या क्या कंटेंट सेफ्टी प्लान में इंक्लूड करना है, और कई कंपनी को फॉर्मेट रहेगा ऑलरेडी और फॉर्मेट यूज़ कर सकता है, और कुछ वेरिएशन चाहिए वीडियो में रेफर ले सकता है, और कई कंपनी को बिल्कुल फॉर्मेट नहीं है, कोई आदमी नया प्रोफेशनल से, तो जो भी प्रोफेशनल्स ट्राई कर लेना ये फॉर्मेट थ्रू ट्राई कर लेना, अपना खुद के एक सेफ्टी प्लान बना सकते हैं, कोई भी किधर से भी कॉपी पेस्ट करने का अच्छा तो अपना खुद बनाने के लिए कोशिश कर लेना, तो देखेंगे वीडियो में। तो पहला ये स्क्रीन में देख रहा होती है, यहाँ से एक सेफ्टी प्लान का सैम्पल फोटो है, पूरा डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो फर्स्ट इसको एक फॉर्म बनाना पड़ेगा, फॉर्म को ए हेडिंग क्लाइंट लोगो इधर दे सकता है, इधर कंपनी का नेम, इधर लोगो, कॉन्ट्रैक्टर का लोगो, कॉन्ट्रैक्टर साइड सेफ्टी प्रोग्राम, ये आरामपुर के लिए सबमिट करता है, इसी के नाम ऐसे रखा है, और कॉन्ट्रैक्टर साइड सेफ्टी प्रोग्राम। तो यहाँ साइट सेफ्टी प्रोग्राम आरामको में कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम बोलता है, और साइट में कैसे में साइट सेफ्टी प्लान बोलता है, तो इधर लिख सकते हैं। सेकंड इधर प्रोजेक्ट का नाम, ये फॉर्म रिवीजन नंबर, यहाँ क्लाइंट का कुछ रिवीजन रेफरेंस नंबर होता है, इधर लिख देना और उसका रिवीजन नंबर, और इधर रेफरेंस नंबर, फॉर्म का रेफरेंस कोड, यहाँ फॉर्म का रेफरेंस कोड आता है, रेफरेंस कोड यहाँ, कोई भी फॉर्म हम प्रोजेक्ट के लिए कुछ प्लान प्रोसीजर बनता है वो सब के लिए फॉर्म कोड डालते हैं, कई कंपनी का उसका खुद फॉर्म कोड रहता है, कई कंपनी को नहीं है, तो फॉर्म कोड डाल के देना रेफरेंस के लिए। तो यहाँ उसका फॉर्म कोड का रिवीजन, अगर इनकेस फॉर्म का कुछ चेंज किया, फॉर्म का स्ट्रक्चर में कुछ चेंज किया तो ये 02102104 ऐसे आएगा, और इधर सीरियल नंबर लिखना, सीरियल नंबर प्लस यहाँ डेट, मतलब जो सेफ्टी प्लान जब भी लास्ट रिवाइज किया था एडिट किया था उधर वो लास्ट डेट रहता है, डेट का रिवर्स फॉर्मेट में लगाता है 2017/12/09/01, मतलब वो दिन में लास्ट एडिटेड किया था। फॉर एग्जांपल तो पेज नंबर कितना पेजेस टोटल है, 1 to 65, 1 to 100 डिपेंड अपॉन। तो यहाँ प्रोजेक्ट नेम लिख देना, कॉन्ट्रैक्ट नंबर, कुछ रेफरेंस नंबर, बिड नंबर, कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिख सकते, इधर व्हाट इज़ अ प्लान, कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्रोग्राम, कॉन्ट्रैक्टर साइट सेफ्टी प्लान, और साइट सेफ्टी प्लान कुछ लिख सकते हैं, कंपनी का नाम, कॉन्ट्रैक्टर नाम, तो हम डॉक्यूमेंट नंबर रिवीजन फॉर अप्रूवल, रिव्यू प्रिपेयर्ड बाय, रिव्यूड बाय, अप्रूव्ड बाय कंपनी रिप्रेजेंटेटिव और क्लाइंट, डिपेंड अपॉन लिख सकता है इसमें। सेकंड पेज में पेज नंबर 2 में जाएंगे तो यहाँ रिवीजन, तो रिवीजन नंबर 0102, तो कब रिवीजन किया, तो फर्स्ट सबमिटेड, सेकंड रिवीजन, थर्ड रिवीजन, तो उसमें क्या रिवाइज किया इधर भी ऐड कर सकते हैं, उस शॉर्ट पॉइंट में ऐड कर सकते हैं, तो क्या किया, क्या रिवीजन था इधर ऐड कर सकते हैं। दूसरा पेज इसमें टेबल कंटेंट, सो हम ये प्लान में टोटल क्या कंटेंट, मतलब क्या लिखना चाहता है, क्या क्या रेफरेंस, टोटल प्रोसीजर में शॉर्ट की थे कंटेंट्स क्या है, इसमें क्या सब्जेक्ट में हम डॉक्यूमेंट में लिस्ट आउट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से लिस्ट आउट कर लेना। ये फॉर्मेट आरामको का बेसिक्स रिक्वायरमेंट्स है, जो कंस्ट्रक्शन सेफ्टी मैनुअल के हिसाब से बनाया हुआ है,
तो ये फॉर्मेट से यही फॉर्मेट में। तो कई प्रोजेक्ट में अगर अपना आपका खुद प्रोसीजर में बनाना चाहता है, उसका कुछ स्पेसिफिक कंटेंट होता है, उसी के हिसाब से इस टेबल को आपको लेआउट चेंज कर सकते हैं। A1 2 3 4 ABCD इसको चेंज कर सकते हैं फॉर्मेट में। तो फर्स्ट है साइट टाइटल एंड स्कोप ऑफ वर्क, साइट लोकेशन, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी, पॉलिसी, HSE ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसा सारे कंटेंट में लिख सकते हैं, जैसे CVs एंड क्वालिफिकेशन, जॉब स्पेसिफिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स, आपको प्रोजेक्ट में कोई भी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स है इसमें मैड मेंशन कर सकते हैं, सेफ्टी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, जॉब स्किल्स प्रोग्राम्स, लिस्ट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, that plans this of how to handle the subcontractors, so we can mention that how the contractor going to handle the subcontractor. So procedure, behavior observation, so behavior based observation during our site monitoring, behavior observations, how we a company hand going to handle site inspection, safety inspection, how going to what how कैसे हम साइट इंस्पेक्शन हैंडल करना चाहता है, सेफ्टी मीटिंग, कौन सा मीटिंग हम साइट में कंडक्ट करना चाहता है, और इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है उसको डिस्क्रिप्शन लेगा, मिसलेनियस सेफ्टी ट्रेनिंग और कुछ एडिशनल एक्सटर्नल ट्रेनिंग देना चाहता है उसको क्या क्या हो सकता है। सो साइट इंसेंटिव और डिसिप्लिनरी एक्शन प्रोग्राम, कुछ सेफ्टी अवार्ड के बारे में और कुछ वार्निंग डिसिप्लिनरी एक्शन के बारे में यहाँ लिख सकते हैं कंपनी। ये सारे हम वो प्रोजेक्ट में कंपनी कैसे ये सारे डीलिंग्स को, ये सारे टॉपिक्स को कैसे कंपनी हैंडल कर रहा है, कंपनी का प्रोसीजर क्या है, प्लान क्या है, उसी में मेंशन करना चाहिए। तो HIP हर जगह यूज़ नहीं करता है, ओनली फॉर आरामको। तो वेस्ट मैनेजमेंट प्लान्स, हमारा कंपनी का कंस्ट्रक्शन वेस्ट प्रोडक्शन कैसे हम लोग हैंडल करना चाहते हैं, हजार्डस सब्सटेंसेस प्लान्स, कुछ अगर कंपनी के पास हजार्डस केमिकल मटेरियल है, हजार्डस मटेरियल है, उसको कैसे सेग्रीगेशन और वेस्ट डिस्पोजल करने प्लान, उसका क्या तरीका है, प्रोसीजर मेंशन करें, जॉब लोकेशंस और टॉपिक वाइज जॉब लोकेशन, जॉब स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, दैट मीन्स उसका फोल्डिंग, कन्फाइंड स्पेस, मरेन वर्क, एक्सकवेशन, लिफ्टिंग, वर्क परमिट, हाउस कीपिंग, वेल्डिंग, कटिंग, तो हैंड टूल्स, पावर टूल्स, हैंडलिंग प्रोसीजर्स, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, फ्लड इलेक्ट्रिकल हीटर्स, ये सारे टॉपिक में ये S1 से सारे टॉपिक आपका प्रोजेक्ट रिलेटेड टॉपिक, आपका टास्क बेस्ड प्रोसीजर ऐड कर सकते हैं। आपको प्रोजेक्ट में क्या टास्क चल रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसके हिसाब से ये एक्टिविटी टॉपिक्स को आपको रिवाइज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो सेफ्टी टॉपिक्स आज फर्स्ट पार्ट में हम इतना बताएंगे कि जो सेफ्टी प्लान क्या कंटेंट बनाया और उसको फॉर्म में कैसे रिविजन में बनाते हैं, ये फॉर्म अपने इतना ही इंक्लूड करेंगे, और सेकंड वीडियो में हम उसको पूरे डिटेल दिखाता हूँ उसमें, नहीं तो लंबा होते बोर हो जाएगा। तो इसके लिए हम सेकंड वीडियो में बाकी का डिटेल टॉपिक कंटेंट कैसे इसको इंक्लूड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उसको देख सकते हैं आप। जनरली सब प्रोफेशनल को मालूम है, अगर कोई नया आदमी है किसी को एक आईडिया मिलने के लिए हेल्प रहे, अगर कोई किसी को हेल्प हो सकता है।